कोलकाता के SSKM अस्पताल में आज भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल की तीसरी मंजिल के रोनाल्ड रॉस ब्लॉक की लाइब्रेरी में लगी है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। आग इतने भयावह है कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया है। सेठसुख लाल करनानी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल राज्य का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। अस्पताल की बिल्डिंग में ENT, चाइल्ड केयर समेत कई अहम वार्ड हैं, जहां सैकड़ों मरीज मौजूद थे, लेकिन सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। पूरे अस्पताल की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल SSKM अस्पताल के फीडर बॉक्स में आग लग गई थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था। वहीं अगस्त 2016 में भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आग ने हड़कंप मचाया था। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और एक शिशु की भी जान गई थी। पश्चिम बंगाल में साल 2011 में AMRI अस्पताल में हुआ अग्निकांड सबसे भयानक था, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं श्रीनगर में भी आज आग ने तांडव मचाया हुआ है। बुजवाड़ा इलाके में लगी आग ने 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक आग ही आग है। दोनों जगहों पर आग से नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत रही कि इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल मामलों की जांच जारी है। देखते रहिए DB Live।